हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बिहार स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यह बिहार स्पेशल करंट अफेयर एमसीक्यू से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पूर्व में पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो को चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा जा चुका है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें और वहां पर आपको निरंतर पीडीएफ भेजा जाएगा। आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर एमसीक्यू पार्ट थ्री जो सीरीज है उसका पहला प्रश्न है, एनएफएचएस फिफ्थ रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान समय में प्रजनन दर कितनी है। एनएफएचएस फिफ्थ यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो पांचवी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में बिहार में प्रजनन दर कितनी है। तो एनएफएचएस फिफ्थ रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में बिहार में प्रजनन दर 3 है। अगर भारत में प्रजनन दर पूछा जाए तो भारत में प्रजनन दर 2 है, लेकिन बिहार में जो प्रजनन दर है वह 3 है। इसके अलावा बिहार में शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में 2.4 आपको प्रजनन दर देखने को मिलेगी, लेकिन वही अगर आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 3.1 है, लेकिन ओवरऑल बिहार में जो प्रजनन दर है वह 3 है। तो अगर भारत का प्रजनन दर पूछा जाए तो प्रजनन दर भारत के स्तर पर 2 है, लेकिन बिहार में पूछा जाएगा तो इसका आंसर 3 होगा, यानी कि 1 का आंसर हो जाएगा डी। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किन राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 7 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इन 7 राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं, यानी कि इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विकल्प में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सभी सही है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा देश के 7 विभिन्न राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, जिनमें तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा ई। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में संपन्न अरुणाचल प्रदेश निकाय उपचुनाव में जदयू ने कुल कितनी सीटें जीती हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अभी निकाय उपचुनाव हुए थे, कुल 7 सीटों पर वहां पे चुनाव हुई थी, ठीक है, कुल 7 सीटों पर वहां पे चुनाव हुई, जिनमें से जदयू ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन जीत कितने सीटों पर दर्ज की है, तो 4 में से 3 सीटों पर इसने जीत दर्ज की है, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश निकाय उपचुनाव संपन्न हुए, कुल 7 सीटों पर निकाय उपचुनाव कराए गए, जिनमें से जनता दल यूनाइटेड कुल 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, उन 4 सीटों में से 3 सीटों पर इसने जीत दर्ज की है, शेष 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो कि कनाडा में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इस सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि कौन करेंगे। तो अमूमन जब ऐसे सम्मेलन कराए जाते हैं तो वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, वे आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। तो अभी बिहार में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, विजय कुमार सिन्हा, यानी कि बिहार में वर्तमान समय के विधानसभा अध्यक्ष। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन है। देखिए, वर्तमान समय में बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है वह आरजेडी है, राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। आरजेडी के अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में इसके कुल सदस्य जो विधानसभा में सदस्य वह 29 है। अभी कुछ दिनों पहले जब AIMIM के 4 विधायक इनमें शामिल हो गए थे तब आरजेडी के कुल 80 हो गई थी, लेकिन अनंत सिंह की अभी उम्मीदवारी को विधानसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, तो 1 सीट फिर इनमें कमी आई है। तो वर्तमान समय में आरजेडी की जो कुल सीटें बिहार विधानसभा में है वह 79 है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 6वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कुल कितने बेटलैंड को पर्यटक क्षेत्रों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है।
तो देखिए बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कुल 11 जिलों के बिहार के में जो कुल 11 जिले हैं बिहार के कुल 11 जिलों में 28 वेटलैंड को डेवलप करने की घोषणा की गई है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये जो वेटलैंड है उन्हें पर्यटक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा और बिहार सरकार का जो स्कीम है बिहार सरकार जिस योजना पर कार्य कर रही है उसके अंतर्गत 11 जिलों के 18 वेटलैंड से मिलाकर लगभग 100 हेक्टेयर का जो एरिया होगा उसे पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा 28 वेटलैंड को विकसित किए जाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 7वां नंबर प्रश्न है मोती झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बिहार सरकार के द्वारा 11 जिले के 28 वेटलैंड को विकसित किए जाएंगे तो उन 28 वेटलैंड में पूर्वी चंपारण का मोती झील भी शामिल है। तो मोती झील बिहार के किस जिले में शामिल है तो 7 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मोती झील बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शामिल है। 7 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 8वां नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग हेतु लगभग कुल कितनी राशि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित कुल 418 करोड़ राशि का जो शिलान्यास किया गया है ये अगर इसको आप एग्जैक्ट राशि के रूप में देखेंगे तो 418.84 करोड़ रुपये की राशि होती है और इस राशि को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन किया गया है उन वर्गों से संबंधित। और इन योजनाओं में देखा जाए तो आवासीय विद्यालयों का निर्माण इसके अंतर्गत शामिल है, विभिन्न छात्रावासों का निर्माण, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण आदि कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में 418.84 करोड़ रुपये से संबंधित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को लेकर कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 9th नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किन जिलों में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 2 जिलों में सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित हाल ही में समझौता किया है। ये 2 जिले हैं जमुई और बांका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1 से अधिक सही है, यानी कि आंसर इसका बी और डी सही है, यानी कि जमुई और बांका दोनों आंसर इसका सही है। अगर जमुई डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में बिहार सरकार के द्वारा 125 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, वहीं बांका डिस्ट्रिक्ट में बिहार सरकार के द्वारा 75 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार सरकार के द्वारा जो समझौते किए गए हैं सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित वह कुल 200 मेगावाट को लेकर यह समझौता कार्यक्रम हुआ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक आंसर सही है, यानी कि 9th का आंसर हो जाएगा ई। अगला 10th नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसा करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है। तो देखिए जातिगत जनगणना से संबंधित विभिन्न फैक्ट्स हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो में भी हमने इससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना तो कराए जाने का निर्णय ले लिया गया है लेकिन क्या इससे पूर्व भी कोई राज्य है जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। तो हाँ, बिहार जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। तो सवाल है कि पहला राज्य कौन बना है, तो जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद जातिगत जनगणना संपन्न हो रहा है बिहार में, तो बिहार जातिगत जनगणना संपन्न कराने वाला दूसरा राज्य बना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 11 नंबर प्रश्न है हालिया राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के किन राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। तो आप देखेंगे कि अभी जो राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए तो राष्ट्रपति चुनाव जो संपन्न हुए उनमें 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, 2 कैंडिडेट थे। पहले कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू और दूसरे कैंडिडेट के रूप में यशवंत सिन्हा थे। तो द्रौपदी मुर्मू का बिहार के अंतर्गत आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों में जनता दल यूनाइटेड शामिल है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा शामिल है, इसके अलावा एलजेपी के जो दोनों संगठन हैं एलजेपी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये दोनों जो एलजेपी का जो दोनों भाग है वो दोनों पार्टी ने इसका समर्थन किया है। यानी कि कुल मिलाकर आप कहें कि जो सत्तारूढ़ पक्ष हैं केंद्र में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी चूंकि द्रौपदी मुर्मू, तो अतः भारतीय जनता पार्टी के जितने एलाई हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया राष्ट्रपति चुनाव में। तो यहां जो
विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प के अनुसार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हालिया राष्ट्रपति चुनाव में बिहार से जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न है, हालिया संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में मतों की कुल संख्या कितनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए उनमें बिहार में मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, बिहार में जो मतों की कुल संख्या है वह 81,239 मत है। ये जो 81,239 मत जो निर्धारित किए गए हैं वह बिहार में चाहे वह लोकसभा सदस्य हों, राज्यसभा का सदस्य हों या फिर विधानसभा का सदस्य हों, ये तीनों से मिलाकर यानी कि विधायक और सांसद इन सभी को मिलाकर बिहार में कुल मत होते हैं 81,239। बिहार की पॉपुलेशन के अनुसार बिहार विधानसभा के एक सदस्य का जो मत होगा राष्ट्रपति चुनाव में वह 173 वोट होगा, वहीं एक एमपी का जो मत होगा वह लगभग 700 मत होगा एक एमपी का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लोकसभा में 40 सांसद हैं, राज्यसभा में हैं 16, इसके अलावा आप बिहार विधानसभा में देखेंगे तो 243 सदस्य हैं। तो इन सभी को अगर आप काउंट करेंगे तो बिहार का जो मत राष्ट्रपति चुनाव में आकर ठहरता है वह 81,239 है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए, बिहार में जो ड्रोन ट्रायल रन है वह पटना डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। पटना डिस्ट्रिक्ट के भी अंतर्गत आप देखेंगे तो यह बेसिकली पुनपुन में किया जा रहा है, यानी कि बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए पटना के अंतर्गत पुनपुन जगह पर ड्रोन का ट्रायल रन किया जा रहा है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 14वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है। तो बिहार में हाल ही में 3 ऐसे जिले हैं जो धूम्रपान मुक्त घोषित किए गए हैं और इसके लिए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मान भी दिया जा चुका है। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वे 3 डिस्ट्रिक्ट में आपके आएंगे। पहला डिस्ट्रिक्ट के रूप में मुजफ्फरपुर शामिल है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट के रूप में सीतामढ़ी है और तीसरा डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपका शिवहर है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का आप नाम भी याद रखें, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। तो कुल मिलाकर हाल ही में बिहार के 3 जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है और इसके लिए राज्य स्तर पर इन्हें राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 14 का आंसर हो जाएगा बी। अगला यहां पर 15वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा। तो देखिए, जो 8वां नैनो यूरिया प्लांट है वह बिहार में लगाया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न है कि चूंकि यह 8वां नैनो यूरिया प्लांट है, इसके पहले 7 नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। जो देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट है वह गुजरात में इसका यह स्थापित किया गया था, गुजरात के कलौल नामक जगह पर स्थापित किया गया था। तो प्रश्न यहाँ पर, देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में। अगर प्रश्न देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहां लगाया गया पूछा जाए तो आंसर देना होगा आपको गुजरात के कलौल नामक स्थान पर। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 16वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है वह वर्ष 2024 ईस्वी तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो इसकी कुल लंबाई होगी वह 199 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। यह बिहार के 7 जिलों को कवर करेगा। जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसका जो निर्माण कार्य है वह 2024 ईस्वी तक पूरा किया जाएगा, बिहार के 7 जिलों को कवर करेगा वह और इसकी जो कुल लेंथ होगी वह 199 किलोमीटर होगी। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 17वां नंबर प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो देखिए, बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है अभी वर्तमान समय में वह 27 है, ठीक है। अभी बिहार में शिशु मृत्यु दर में 2 अंकों की गिरावट हुई है। पहले शिशु मृत्यु दर 29 थी, अभी वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है। वहीं अगर आप राष्ट्रीय औसत देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत जो है वह शिशु मृत्यु दर का वह 28 है, वह राष्ट्रीय औसत है, ठीक है। इसके अलावा
भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो अगर सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर है वह मध्य प्रदेश में है 43, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश से देखा जाए तो कई स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति में बिहार है। बिहार में शिशु मृत्यु दर अभी वर्तमान समय में कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 27। कितने अंकों की गिरावट आई है, तो 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत कितने शिशु मृत्यु दर को लेकर, तो 28 है। और किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर देखने को मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में, वहां पर शिशु मृत्यु दर 43 है। तो शिशु मृत्यु दर से संबंधित फैक्ट्स हमने डिस्कस किया, 17 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 18वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया गया है। तो देखिए बिहार का जो आप पहला तारामंडल देखेंगे तो वो तो पटना में किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि दूसरा तारामंडल का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो दूसरा तारामंडल का निर्माण बेसिकली मिथिलांचल में किया गया, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर देखा जाए तो यह दरभंगा जिले में बिहार के दूसरे तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जो कुल खर्च है, लागत जो है वह 164 करोड़ है, यानी कि 164 करोड़ रुपये की लागत राशि से बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 19वां नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो जो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है वह पटना के अंतर्गत बिहटा में खोला जाएगा, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा पटना डिस्ट्रिक्ट। और अगर स्थान आपको पूछा जाए तो वह स्थान है पटना के अंतर्गत बिहटा में, 19 का आंसर ए। अगला 20 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फीस फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। राज्य का पहला फीस फीड मिल का जो निर्माण किया जाएगा वह बिहार के अंतर्गत देखेंगे तो यह रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण किया जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। राज्य का पहला फीस फीड मिल कहाँ निर्मित किया जाएगा, तो रोहतास जिले के अंतर्गत। अगला 21वां नंबर प्रश्न है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना। देखिए हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला या न सिर्फ बिहार का बल्कि भारत का भी पहला जिला बना है, वह है पूर्णिया, ठीक है। तो इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दोनों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर पंचायत में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, तो आंसर होगा पूर्णिया। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा जामताड़ा। यह जामताड़ा कहाँ है, तो झारखंड जिले के अंतर्गत है, ठीक है। यानी कि भारत का पहला जिला जहाँ पर हर पंचायत में पुस्तकालय खोला गया, बिहार का पूर्णिया जिला, और भारत का पहला जिला जहाँ पर हर गाँव में पुस्तकालय खोला गया, तो झारखंड का जामताड़ा जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला 22वां नंबर प्रश्न है, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो गांव के लिए गतिशील मानचित्र करने वाला भारत का पहला राज्य है, वह है अपना बिहार। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार जिले में अब गांव के लिए भी गतिशील मानचित्र लागू किया जाएगा और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 23वां नंबर प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले, इसे आप याद रखिएगा, ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पूर्णिया के अंतर्गत भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 24वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना है। तो देखिए हालिया समय में जो इस वर्ष के लिए जो बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण आई है 21-22 की, उस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में बिहार में जो शहरीकरण का स्तर है वह 15.3% है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। अगला और आज का जो अंतिम प्रश्न है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो वर्तमान समय में बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह मनोज तिवारी हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बिहार करेंट अफेयर MCQ का तीसरा वीडियो आज हमने डिस्कस किया है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है और इसके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा जा चुका
होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों को मिलाकर 100 मॉडल आंसर प्रश्नों का 100 मॉडल आंसर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न सेक्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो कि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित होंगे, और सभी प्रश्नों को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से मिलाकर कुल 100 मॉडल आंसर को तैयार किया जा रहा है, और इस मॉडल आंसर को आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही समाप्त हो जाती है, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के तुरंत पश्चात इस संदर्भ में विशेष सूचना हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।